हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में अरे लिस्ट को एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे। इस लेक्चर के इनसाइट हम अरे लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करना सीखेंगे और जो ऐड किए हुए एलिमेंट्स हैं उनको इटरेट करवाने के जो जावा ने अलग अलग तरीके दिए हैं उनका भी यूज करके हम देखेंगे। साथ ही जो एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे उनका शॉर्टिंग भी आपको करके बताएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप अरे लिस्ट को समझना चाहते हैं तो पहले आप अरे को समझें। अगर आप अरे को अच्छे से समझ लेते हैं तो अरे लिस्ट को समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो अरे की बात करते हैं। अरे एक ही तरह के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है और अरे में जो साइज आप देते हैं वो कंपाइल टाइम पर फिक्स हो जाता है, रन टाइम पर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने अरे का सिंटेक्स बना दिया है, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अरे को। यहाँ पर मैंने अरे का साइज दिया है 2। इसका मतलब ये है कि ये साइज कंपाइल टाइम पर फिक्स हो जाएगा। तो इस अरे में 2 से ज़्यादा एलिमेंट आप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर अरे का टाइप बताया हुआ है इंट। इसका मतलब ये है कि इसके इनसाइट हम इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स ही ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट हम ऐड नहीं कर पाएंगे। अब इसमें एलिमेंट्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं आइए देखते हैं। अरे में इंडेक्स के बेसिस पे एलिमेंट ऐड होते हैं और इंडेक्स की शुरुआत 0 से होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए ऑफ 0, यानी कि मैं 0 इंडेक्स पर कोई एलिमेंट डालना चाहता हूँ। चलिए मैंने 4 डाल दिया। फिर मैंने यहाँ लिखा ए ऑफ 1, यानी कि मैं 1 इंडेक्स पर कोई एलिमेंट डालना चाहता हूँ। चलिए मैंने 6 डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 एलिमेंट्स डाल दिए हैं। अब इन एलिमेंट्स को मुझे इटरेट करवाना है तो किस तरीके से करवा सकते हैं? आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, आप व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं, आप डू व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं और आप फॉर ईच लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसका यूज़ आप करें। मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर लूप का यूज़ किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले तो बता दूं कि लूप का यूज़ यहाँ पर इंडेक्सिंग के लिए हम करते हैं। तो इंडेक्सिंग की शुरुआत हमेशा 0 से होती है, तो मैं यहाँ 0 से शुरुआत कर रहा हूँ। फिर हमें यहाँ पर साइज़ बतानी पड़ती है अरे की। तो साइज़ कैसे निकालते हैं? जो अरे का नेम होता है उसे हम कॉल करते हैं लेंथ नेम की प्रॉपर्टी को, इससे अरे का साइज़ निकल जाता है। अभी तो हमें पता है कि इसका साइज़ 2 ही है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो हम यहाँ पर लेंथ नेम की प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं, इससे अरे का जो साइज़ है वो निकल जाता है। फिर हम यहाँ पर इंक्रीमेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं। फिर इस लूप को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। चलिए, अब प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम ए ऑफ आई को पास कर देते हैं। चलिए रन करके बताते हैं आपको, जो एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। इस लेक्चर के इनसाइट हम अरे लिस्ट को ही समझेंगे, लेकिन पहले हम अरे को समझ रहे हैं ताकि दोनों में डिफरेंस हमें पता चल सके कि हम अरे लिस्ट का यूज़ क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट और मैं ऐड करना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर कंपाइल टाइम पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो रन टाइम पर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आएगा इस इंडेक्स के लिए। मैं रन करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रन टाइम पर इसमें एक्सेप्शन आई है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, और साथ में बताया भी होगा 2, यानी कि ये जो आपने इंडेक्स लिखा है ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइज ही आपने 2 दिया है, तो 0 और 1 ही इंडेक्स आप यूज़ कर सकते हैं, 2 इंडेक्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अरे में साइज के बेसिस पे हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जबकि अरे लिस्ट में चाहे जितने एलिमेंट्स आप ऐड करो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं अरे लिस्ट बनाकर आपको बताता हूँ और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। अरे की तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अरे लिस्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड अरे लिस्ट एक क्लास है, और अगर आप अरे लिस्ट बनाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से बनाते हैं। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के डालेंगे।
अगर आप यहाँ पर इंटीजर टाइप के एलिमेंट डालना चाहते हैं तो जिस तरीके से आपने अरे में प्रीमिटिव डेटा टाइप का यूज किया था उस तरीके से आप यहाँ नहीं कर सकते। जैसे मैंने इंट लिखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर शो हो रहा है। अरे लिस्ट के इनसाइट प्रीमिटिव डेटा टाइप का यूज हम नहीं करते हैं, इस बात को आप नोट कर लें। अरे लिस्ट के इनसाइट आप प्रीमिटिव डेटा टाइप की जगह वेपर क्लासेस का यूज करेंगे, यानी कि इंट की जगह आप क्या यूज करेंगे, इंटीजर यूज करेंगे। अगर आपको वेपर क्लासेस के बारे में नहीं पता तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप वॉच कर सकते हैं, वहां पर मैंने वेपर क्लासेस के बारे में पूरा एक ट्यूटोरियल बना रखा है, पूरा प्लेलिस्ट तैयार है, आप देख सकते हैं। चलिए यहां पर अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं उसको आप इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत आसान है। तो हमारा अरे लिस्ट तो बन गया है लेकिन अभी ये एम्प्टी है, खाली है। अब इसमें हमें एलिमेंट्स ऐड करना है, तो किस तरीके से ऐड करते हैं, आप लिस्ट से कॉल करेंगे ऐड नेम के मेथड को। अरे लिस्ट के इनसाइड ऐड नेम का मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप अरे लिस्ट के इनसाइड एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर हमें इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स डालना है तो मैं यहां पर सबसे पहले 11 को डाल देता हूं, फिर 12 को डाल देते हैं, फिर 21 डाल देते हैं, इसके बाद हम यहां पर 31 डाल देते हैं और यहां पर हम 1 डाल देते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अब एलिमेंट्स तो ऐड हो गए, अब हमें इनको इटरेट करवाना है। तो इटरेट करवाने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो बहुत आसान है, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट का यूज करके भी इन एलिमेंट्स को इटरेट करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर क्या मैंने लिस्ट को पास कर दिया। ये जो लिस्ट है ये अरे लिस्ट का रेफरेंस है जिसके इनसाइड अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, यानी कि कुल मिलाकर आप इस ऑब्जेक्ट को यहां पर पास कर रहे हो। मैं रन करके बता देता हूं आपको, यहां पर आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स यहां पर प्रिंट हो चुके हैं। अब एक और बात आप ध्यान दें, यहां पर जैसे आपने एलिमेंट्स ऐड किए हैं वैसे के वैसे यहां पर प्रिंट हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अरे लिस्ट जो है वो इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है, यानी कि जैसे एलिमेंट आप ऐड करेंगे वैसे वैसे प्रिंट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर 12 की जगह 11 कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने 11 को 2 टाइम ऐड किया है। अब दो बार मैंने 11 को ऐड किया है तो इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेट एलिमेंट डाला मैंने, तो अरे लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। मैं रन करके बताता हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहां पर 11 जो है वो 2 टाइम प्रिंट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी आपने यहां पर जो प्रिंट करवाने का फर्स्ट टाइप देखा है, अब दूसरा टाइप देखते हैं। जो दूसरा टाइप है वो है फॉरिच लूप के थ्रू। तो फॉरिच लूप का यूज कैसे करते हैं, बहुत आसान है। यहां पर हम लिखेंगे लिस्ट किस टाइप के एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं, इंटीजर टाइप के, तो यहाँ हम इंटीजर लिखेंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल दे देंगे कोई भी, यहाँ मैंने एक्स दिया। फिर इस लूप को हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट यूज करेंगे, यहाँ पर एक्स नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे। यानी कि लिस्ट में जो एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं वो बारी बारी से इस एक्स के इनसाइट आएंगे और यहाँ पर प्रिंट होते चले जाएंगे। चलिए रन करके बताता हूँ आपको, आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स यहां पर प्रिंट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला तरीका देखते हैं एलिमेंट्स को इटरेट करवाने का। आप फॉर लूप के थ्रू भी एलिमेंट्स को इटरेट करवा सकते हैं। किस तरीके से करवा सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होगा, तो हमने यहां पर 0 से इनिशियलाइज किया। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि लूप का यूज हम इंडेक्सिंग के लिए करते हैं, अरे में इंडेक्सिंग के बेसिस पे ये एलिमेंट ऐड होते हैं।
तो यहाँ पर ये जो जीरो है ये जीरो इंडेक्स के लिए है, ठीक है। इसके बाद हमें साइज निकालना है अरे लिस्ट का। कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है, आपको कॉल करना है साइज नेम के मेथड को। अरे लिस्ट के इनसाइड साइज नेम का मेथड होता है, इसकी हेल्प से आप अरे लिस्ट की साइज निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट प्रोसेस यूज करेंगे और यहाँ पर जो अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है उसे हम कॉल करेंगे गेट नेम के मेथड को। और यहाँ पर आई को पास कर देंगे क्योंकि इसके इनसाइड इंडेक्स है। चलिए रन करके बताता हूँ आपको, बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। तो अगर आप फोर लूप का यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक और तरीका होता है इटरेटर इंटरफेस के थ्रू, चलिए उसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। आपको अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट से कॉल करना है इटरेटर नेम की मेथड को। जब आप इसको कॉल करेंगे तो इससे आपको इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और हमें उसका ऑब्जेक्ट इसलिए चाहिए क्योंकि उसके पास ही वो मेथड है जिसकी हेल्प से आप अरे लिस्ट के इनसाइट जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए उनको इटरेट करवा सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम जो इटरेटर इंटरफेस है उसके रेफरेंस में पास कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर व्हाइल लूप यूज करेंगे। जो इटरेटर इंटरफेस है उसके पास हैज नेक्स्ट नेम का मेथड होता है। जब हम उसको कॉल करेंगे तो हैज नेक्स्ट मेथड को जब आप कॉल करते हैं तो अरे लिस्ट की इनसाइड अगर उसको एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो ट्रू रिटर्न करता है। तो जब तक इसको एलिमेंट्स मिलते रहेंगे ये ट्रू रिटर्न करता रहेगा, अगर ट्रू इसे मिलता रहेगा तो ये लूप चलता जाएगा। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन स्टेटमेंट यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको निकालने के लिए हम नेक्स्ट नेम के मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ एलिमेंट निकलते जाएंगे और इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट होते जाएंगे। हम राइट क्लिक करते हैं और रन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। चलिए हमने अरे लिस्ट के इनसाइट एलिमेंट्स को ऐड कर लिया और उनको इटरेट करवाने के जो अलग अलग तरीके जावा ने दिए हैं उनका भी यूज हमने कर लिया। अब बात करते हैं कि अरे लिस्ट के इनसाइट जो एलिमेंट आप ऐड करते हैं उनकी शॉर्टिंग कैसे कर सकते हो। तो शॉर्टिंग करना बहुत आसान है। जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइट कलेक्शंस नेम का एक क्लास होता है, आप देख सकते हैं यहां पर ये कलेक्शंस नेम का क्लास है, कलेक्शन नहीं कलेक्शंस, ध्यान दें, है ना। इसका यूज आप करेंगे और इससे आप कॉल करेंगे शॉर्ट नेम के मेथड को। जब आप उसको कॉल करेंगे तो आपको यहां पर जो अरे लिस्ट है उसके ऑब्जेक्ट को पास कर देना है, तो ये मेथड इसकी शॉर्टिंग कर देगा। चलिए मैं रन करके बताता हूं आपको, बहुत आसान है। तो आप देख सकते हैं यहां पर शॉर्टिंग हो चुका है। अब मान लीजिए कि अरे लिस्ट के इनसाइट आपको स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करना है तो क्या करेंगे? तो जहां पर आपको इंटीजर दिखाई दे रहा है वहां पर सबसे पहले तो आप स्ट्रिंग कर दें, अब आप इसमें स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यश लिखा, फिर मैं यहाँ पर यश लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर मैं अमन लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं संजू लिख देता हूँ। चलिए एक और एलिमेंट डालना है तो यहाँ पर मैं मंजू लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहां पर भी मुझे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि जो अरे लिस्ट है वो स्ट्रिंग टाइप का है। चलिए रन करके चेक करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। और ध्यान दें, मैंने यहाँ पर शॉर्ट नेम के मेथड को कॉल किया है तो इनका शॉर्टिंग हुआ है। अभी यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टिंग ना हो और इंसर्शन ऑर्डर में ही ये एलिमेंट प्रिंट हो, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। वापस से एक बार और इसे रन करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। जैसे एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे वैसे वैसे यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। तो गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने अरे लिस्ट को विथ एग्जांपल समझा। इसमें एलिमेंट्स को ऐड करना सीखा, एलिमेंट को इटरेट करवाने के लिए जो अलग अलग तरीके जावा ने दिए हैं उनका यूज़ करके देखा, और साथ ही साथ शॉर्टिंग भी हमने करके देखा। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।